हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उससे पहले हमने कितना कवर कर लिया था हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन कॉन्फिग्रेशन पे तो बेस्ड ऑन कॉन्फिग्रेशन ज़रा ये बताओ हमारे पास कितने कंप्यूटर्स थे बेस्ड ऑन कॉन्फिग्रेशन हमारे पास फ़ोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स थे माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। इन सब के बारे में पढ़ना है तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आपको उसमें दिख जाएगा ऑल राइट right, तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो याद रखने हैं वो ये कि फ़र्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड ये कौन सा था आपका ये था आपका क्रे सी डी सी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड और अगर फास्टेस्ट कंप्यूटर पूछे इन द वर्ल्ड तो वो था समिट बाय यूएसए समिट बाय यूएसए इन केस दे आस्क यू फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का था परम एट थाउजेंड और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था यह था आपका प्रत्युष राइट right, तो ये सारा आपको याद रखना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आईबीपीएसपीओ में क्वेश्चन आते हैं तो अभी हम करेंगे बेस्ड ऑन यूटिलिटी हमें कंप्यूटर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में वो कौन कौन से जर्नल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ राइट तो जर्नल पर्पज़ वो कंप्यूटर होते हैं दैट कैन परफॉर्म एक्सटेंसिवली वेराइटी ऑफ ऑपरेशन जो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो उनको जर्नल पर्पज़ कहा जाता है ये एग्जीक्यूट करते हैं और स्टोर करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स इन इट्स इंटरनल स्टोरेज राइट एंड जैसे कि एग्जांपल्स तो right. तो ले लेते हैं जनरल पर्पस का क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से कि मेन फ्रेम सर्वर्स लैपटॉप ये जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस तो ये आपको क्लासिफाई करना होगा ऑल तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम सारे के सारे जितने भी मेन फ्रेम्स होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सर्वर्स लैपटॉप्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स स्मार्टफोन्स एंड योर टैबलेट्स ये सारे कैसे कंप्यूटर्स होते हैं ये सब होते हैं जर्नल पर्पस अब आपने देखा होगा अगर आप फो मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लो अपने स्मार्टफोन का कि एक स्मार्टफोन पे आप कितनी चीजें कर सकते हो आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो आप गेम खेल सकते हो आप मूवी देख सकते हो आप एक पी को एडिट कर सकते हो राइट right? आप एडिटिंग कर सकते हो आप उसमें वीडियो बना सकते हो कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हो म्यूज़िक सुन सकते हो मतलब स्मार्टफोन एक है और काम उससे बहुत सारे हो रहे हैं तो ऐसे ही जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स होते हैं कि कंप्यूटर एक है लेकिन बहुत सारे मल्टीपल वर्क उसमें हो सकते हैं फिर आते हैं आपके पास स्पेशल पर्पज़ कम्प्यूटर्स स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया जाता है कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही इनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्री प्रोग्राम होती हैं परमानेंटली कंप्यूटर में और ये कम्प्लीटली कंट्रोल्ड होता है बाय ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अब फॉर एग्जांपल इसके आ जाते हैं जैसे ईवीएम हो गया एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम हो गया ईवीएम एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम ये एग्जांपल है आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के त अब एक जैसे आप एग्जांपल ले लो ई का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है अब इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिकल स्पेसिफ़िक टास्क के लिए ही बनाई जाती है फॉर एग्जांपल सिर्फ वोटिंग के लिए अगर आप चाहो कि इसमें आप फाइल सेव कर लो इसमें आप गाने सुन लो या फिर इसके आप मूवी देख लो तो ये सब इन कंप्यूटर में नहीं हो सकता है इस कंप्यूटर में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आप वोटिंग के लिए ही ये काम आएंगे किसी स्पेसिफ़िक टास्क के लिए ये काम आते हैं तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ़ यूज़ हमारे पास पांच तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं पाम टॉप लैपटॉप पर्सनल वर्क स्टेशन क्लाइंट और सर्वर लैपटॉप आप सभी को पता ही है क्या होते हैं ये कंप्यूटर्स पोर्टेबल होते हैं और वेट इनका लेस होता है कहीं भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड ये टेम्प्रेरी स्पेस में कहीं भी यूज़ हो सकते हैं जैसे कि एयरप्लेन्स में मीटिंग्स में एंड ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि पावर कंजम्पशन जो होती है वो लो होती है और इनके साथ एक कीबोर्ड बोर्ड और टचपैड अटैच होता है विन योर लैपटॉप कंप्यूटर्स अब बात करें पाम टॉप कम्प्यूटर्स की पाम टॉप कम्प्यूटर्स बहुत ही छोटे होते हैं जो कि आपके पाम में फिट हो सकते हैं हैंड उफ, मतलब पाम के मतलब हाथ के पाम में जो है पाम मतलब हथेली उसमें फ़िट हो जाते हैं इसलिए इनको पाम टॉप कम्प्यूटर्स भी बोला जाता है जो इन इसमें इनपुट दिया जाता है पाम टॉप कम्प्यूटर्स में वो दिया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक पेन के थ्रू इनके पास छोटी डिस्क स्टोरेज होती है एंड ये वायरलेस नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकते हैं योर पाम टॉप कम्प्यूटर्स कम योर पर्सनल कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर सभी को पता है जो आप घर में यूज़ करते हो वो पर्सनल कंप्यूटर है सिंगल एंड यूज़र्स होते हैं ये इसमें ये डिज़ाइन होते हैं सिंगल एंड यूज़र के लिए कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर्स होते हैं और ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनल कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो यू वुड से माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी मतलब पूरा का पूरा सीपीयू एक सिंगल चिप के ऊपर जब आ जाता है आपका एंटायर प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप इट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर ऑल फिर वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन फ़ास्टर होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर से जब भी आपको मल्टी करानी हो या फिर मल्टी यूज़र को का काम हो जैसे कि जो मल्टी यूज़र का एक्सेस को देना हो तो वर्क स्टेशन का यूज़ हो सकता है इसमें क्या होता है एडिशनल रैम होती है आपके पास वर्क स्टेशन में क्योंकि अब जब यूज़र्स ज़्यादा हो जाएंगे तो रैम भी ज़्यादा लगेगी मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी तो रैम ज़्यादा हो जाती है स्पीड ऑफ हाई स्पीड ग्राफिक्स होती है इसमें हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर्स एंड ड्राइव कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है इसमें फिर आते हैं क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर्स तो सर्वर वो होते हैं जो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं राइट सर्वर इज़ अ डिवाइस दैट मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्स टू द यूज़र्स जैसे कि अब आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सर्वर नहीं है तो यहाँ से हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वर हैं तो एप्लीकेशन सर्वर फाइल सर्वर वर्चुअल सर्वर यू हैव मेल सर्वर ये सब आपके सर्वर्स होते हैं बाकी भी आगे डिस्कस करेंगे हम तो मैं आपको और सर्वर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है क्लाइंट वो होता है जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज के सर्वर की सर्विसेज लेता है उसको बोलते हैं क्लाइंट ठीक है आगे चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हमें पता है कि जो हमारे कंप्यूटर हैं उसके फोर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं फ़ोर बेसिक कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से सबसे पहला हार्डवेयर राइट देन वी हैव सॉफ्टवेयर डाटा और यूज़र्स हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से होते हैं सारे के सारे फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के उसे हार्डवेयर कहते हैं जैसे कि कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये सब हो गए हार्डवेयर कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जैसे सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है टास्क परफॉर्म करने में जो कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराता है उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ठीक है थेके? डाटा होता है जो डेटा सेट ऑफ़ फैक्ट्स होते हैं विच कंप्यूटर रीड्स एंड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नंबर्स कौन से उसमें जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में जो रीड करता है और स्टोर करता है उसको डाटा बोलते हैं अब मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरा नाम है स्वाति तो कंप्यूटर को ये रीड करना नहीं आता वो इसको पहले मशीन लैंग्वेज में बदलेगा मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है जीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन इस तरीके की लैंग्वेज में बदल के फिर वो कंप्यूटर इसको रीड करेगा और फिर आउटपुट आपको देगा ठीक है आउटपुट जो देगा फिर उसको वापस से मशीन लैंग्वेज से आपका उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं उसको ऑल राइट यूज़र्स वो होते हैं जो यूज़ करते हैं इस कंप्यूटर को देन वी हैव इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं आपके इनपुट डिवाइस हो गए जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया स्कैनर हो गया माइक्रोफोन हो गया असिस्टिव टेक्नोलॉजीज वी हैव सी इसको मैं डिटेल में कराऊंगी बहुत अच्छे से सी को याद रखना है आपको सी के कितने पार्ट्स हो गए सी के तीन पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है प्लस माइनस और लॉजिकल ऑपरेशंस कराना ग्रेटर देन दैन लेसन इक्वल टू ठीक है मेमोरी होती है आपके पास एक मेमोरी यूनिट जिसमें मेमोरी यूनिट में आपका कौन कौन से आ जाते हैं रैम रोम हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइसेस होते हैं आपके कंप्यूटर में जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो जाते हैं आपके मॉनिटर मॉनिटर वो स्क्रीन जो कंप्यूटर की आप सामने देखते हो जिसपे हर चीज डिस्प्ले होती है मॉनिटर स्पीकर्स प्रिंटर्स और प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर वो होता है जिसको लगा के आप पीपीटी को देख सकते हो एक किसी सरफेस पे ठीक है जिससे आप क्लासरूम में पढ़ते हो ना और ऊपर आपने देखा होगा एक चीज़ लगी होती है और सामने टीचर देखता है उससे तो उसी को हम प्रोजेक्टर बोलते हैं ठीक है देन वी हैव मदर बोर्ड मदर बोर्ड क्या होता है आपका मदर बोर्ड इज जस्ट अ मिनट हाँ जी तो वो मदर बोर्ड होता है इसमें कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क सीपीयू कीबोर्ड माउस ये सब मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ मदरबोर्ड दिखता कैसा है यू कैन सी हेयर इट इज द मदर बोर्ड यहाँ पर माउस का कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्टेड होता है ये एक सीरियल पोर्ट है वीजीए पोर्ट यहाँ पर ये आपका पैरेलल पोर्ट है जिसमें आपका सारा का सारा प्रिंटर और स्कैनर कनेक्टेड होता है ये आपका यूएसबी पोर्ट है जहाँ यूएसबी केबल कनेक्टेड होती है ये आपका लैन केबल पोर्ट है लैन केबल कनेक्ट होती है यहाँ पर ये आपका स्पीकर्स का पोर्ट है जहाँ पर स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं माइक ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए और इधर आपका जो है शायद मेरे ख्याल से आज डी कुछ कनेक्टेड होता है इसमें भी ऑल राइट right, तो इस तरीके से इसमें सारे के सारे आपके कॉम्पोनेंट कनेक्टेड होते हैं आपकी मदरबोर्ड में ऑल राइट मदर समझ में आ गया आपको तो वो जो मैंने आपको दिखाया था एक बीच में स्पेस था वहाँ पर आपका सीपीयू कनेक्टेड होता है ऑल right, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेमोरीज की तो मेमोरी में आपके मेमोरी यूनिट जो होती है वो तीन तरीके से डिवाइडेड होती है आपकी कैसे कैसे जो आपकी मेमोरी यूनिट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कैसा पहला होता है प्राइमरी मेमोरी दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी होती है आपकी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैम रोम और कैश ये हाते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी में ऑल राइट देन सेमीकंडक्टर स्टोरेज मैग्नेटिक कार्ड स्टोरेज ये स्कोर मेमोरी एम ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क हो गया सेकेंडरी ऑग्जिलरी बैकअप मेमोरी हो गया तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है देखिए रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं इस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है बिकॉज ठीक है और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अभी क्या करना है सिर्फ सुनना है बिकॉज ये सब तो आप पढ़ लोगे किसी भी बुक में से अभी सिर्फ सुनना है आपको प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है अब आप बोलोगे कि इसको इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है बिकॉज़ ये मदरबोर्ड के अंदर होती है रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है जो रैम रोम ये सब मदरबोर्ड के अंदर होती हैं इसको इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है अब आपको ये पता है कि हमें अगर कुछ भी याद करना है कुछ अगर ये रिकॉल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल कहाँ गई थी तो मुझे याद होना चाहिए वो मेरा कहाँ स्टोर होता है ब्रेन में इसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पर उसका सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है टम्प्ररी बेसिस और परमानेंट बेसिस पे कुछ टेम्प्रेरी बेसिस पर स्टोर होता है और कुछ होता है परमानेंट बेसिस पर स्टोर तो इसी तरीके से इनकी भी एक मेमोरी होती है तो इसको प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है वो हम प्राइमरी मेमोरी से ही करते हैं ये मेमोरी जो है डायरेक्टली सी से कम्युनिकेट करती है मतलब कि जो आपका रैम है रोम है ये डायरेक्टली आपका सी से जो है कम्युनिकेट करता है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है कॉस्ट ज़्यादा होती है साइज कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी ठीक है जो भी हम काम करते हैं जो भी हम काम करते हैं वो रैम के थ्रू ही करते हैं ठीक है तो अब बात हो गई प्राइमरी मेमोरी की अब बात कर लेते हैं रैम क्या होती है रैम जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू को जो भी फाइल्स चाहिए होती हैं ठीक है जब मान लो वो काम कर रहा है उसको जो भी फाइल्स चाहिए होती हैं वो रैम से लेता है फॉर एग्जांपल देखिए आपने कोई गेम इंस्टॉल किया ठीक है जब वो इंस्टॉल हो रहा है तो वो जाएगा मेमोरी यूनिट में लेकिन जब वो इंस्टॉल हो जाता है और वो एप्लीकेशन चालू हो जाती है वो गेम चालू हो जाता है तो जब वो गेम चालू हो जाता है तो वो अपना उठ के कहाँ पर आ जाता है रैम के अंदर आ जाता है ठीक है मोबाइल फ़ोन्स हो गए ये सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल फोन्स में कम से कम मिनिमम मेमोरी होनी चाहिए आपकी दो जी बी ऑल राइट तो जैसे कि सॉफ्टवेयर को जो भी लोड लेने का काम होता है ना सॉफ़्टवेयर के लोड लेने का काम करता है रैम सॉफ्टवेयर के लोड लेने का काम करता है रैम रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है मतलब कि जैसे ही आप लाइट बंद करोगे मतलब जैसे ही आपकी पावर चली जाएगी तो जितना भी रैम में जो भी स्टोर हुआ होगा वो सब कुछ भी इरेज हो जाता है ऑल राइट right? फॉर तो एग्ज़ाम्पल ये देखिए मान लो आपने बहुत सारे टैब्स खोले हुए हैं अपने कंप्यूटर में जैसे कि आपने बहुत सारी फाइल्स ओपन करी हुई हैं अपने कंप्यूटर में तो क्या हो गया बाई चांस अब वो जो फाइल्स आपने ओपन करी हैं वो सारा का सारा डाटा जो है वो कहाँ पर सेव हो जाता है आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी में तो आपको सी जो है वो रैम से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा होगा ठीक है लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी तो जो भी जो भी डाटा वहाँ पर सेव हुआ है वो सब भी क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और जैसे ही आप दोबारा जब लाइट आएगी आप ऑन करोगे अपने कंप्यूटर को तो कोई भी फाइल आपको उसमें ओपन नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है डाटा वहाँ से डिलीट हो गया है तो अब आप ये देख लीजिए क्रोम है वी एल सी मीडिया प्लेयर है जो लोड ये लोग लेते हैं उनको चलाने के लिए सपोर्ट करता है रैम ठीक है वी एल सी मीडिया हो गया क्रोम हो गया बाकी आपका एक्सप्लोरर हो गया विंडोज़ एक्सप्लोरर हो गया इन सबको ये जो लोड लेते हैं उनको चलाने के लिए सपोर्ट करता है आपका रैम स्टोर डाटा लूज़ हो जाता है एक बार जब पावर चली जाती है रैम का डाटा हम रीड कर सकते हैं इरेज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं रैम की स्पीड हाई होती है और कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है ऑल राइट right. तो ये जो तो आप यहाँ देख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी मेमोरी हमने लिखा क्या है होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग जो हम पढ़ चुके हैं इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विचड ऑफ मेड ऑफ़ सेमीकंडक्टर डिवाइस वॉलेटाइल मेमोरी होती है मतलब कि पर्मानेंट नहीं होती वॉलेटाइल होती है जैसे ही पावर गई तो ये सारा का सारा डाटा भी इरेज हो जाता है दो तरीके की आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम रोम और एक होती है कैश अभी कैश मेमोरी क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आगे ये देखो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एक तो मेन मेमोरी और एक होती है आपकी कैश मेमोरी मेन मेमोरी में भी रैम और रोम आ जाता है और एक हो जाती है कैश मेमोरी आपकी ठीक है अब यहाँ पर आपका सीपीयू है दिस इज़ योर सीपीयू दिस इज़ योर कैश मेमोरी अगर आपके पूछा जाए सबसे पास कौन सी मेमोरी होती है तो आपको याद रखना है इट इज़ कैश मेमोरी ये होती है आपकी मेन मेमोरी एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी तो क्या होता है जब भी आपके सी को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मेन मेमोरी से जाता है मेन मेमोरी से लेता है और वो प्रोसेस कर लेता है ठीक है मेन मेमोरी में हर चीज़ स्टोर्ड होती है जो कि आपकी रैम और रोम इसमें स्टोर होती हैं सारी चीज़ें और सी को कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वह जाएगा इसमें मेन मेमोरी में ढूंढेगा मेन मेमोरी में उसको चीज़ मिल जाएगी और फिर वो सी उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस करेगा अगर नहीं मिलती मेन मेमोरी में तो क्या करेगा सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा सेकेंडरी मेमोरी से वो चीज़ मेन मेमोरी में आएगी और फिर वो चीज़ जाएगी सी के पास और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा अब इस प्रोसेस में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि पहले मेन मेमोरी में जाएगा सर्च करेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है तो इसी टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए हमारे पास बनी है कैश मेमोरी कैश मेमोरी क्या करती है जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल क्रोम पे गई क्रोम पे मैंने चार फाइल्स खोली ठीक है फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री फाइल फोर ठीक है चार फाइल्स खोली मैंने अब मैं थोड़ी देर में फिर आई फिर मैंने ये चारों फ़ाइल्स खोल दी फिर थोड़ी देर में आई मैं मैंने चारों फ़ाइल्स खोल दी नेक्स्ट डे भी आई मैंने उसमें से दो फाइल खोल दी तो वो कंप्यूटर क्या करेगा वो अपनी स्मार्ट सेंसिंग के हिसाब से ये देख लेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ़ाइल ओपन हुई है तो वो क्या करेगा जितनी भी मोस्ट रिसेंट मेरी फ़ाइल्स ओपन हो रखी होती हैं जो मैं बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ तो वो सारी फ़ाइल्स वो स्टोर कर देगा कैश मेमोरी में अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वो फाइल ओपन करूँगी तो मैं मेन मेमोरी में ना जाके सीधा कैश मेमोरी के पास जाऊँगी देखूँगी वो सब है और सीधा एग्जीक्यूट कर लूँगी अपने प्रोग्राम को या फिर सीधा एग्जीक्यूट कर लूंगी या फिर प्रोसेस कर दूंगी उस चीज़ को ठीक है तो ये काम होता है कैश मेमोरी का कैश सीपीयू के पास में होती है और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट काम करती है राइट right? जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी ये इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सी से नहीं होता डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सी से नहीं होता इसका ठीक है पहले डाटा जो है प्राइमरी मेमोरी को जाता है और फिर प्राइमरी मेमोरी से सी एक्सेस करता है उस डाटा को ऑल राइट तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसा काम करता है सेकेंडरी मेमोरी जो है ये जो हमारा सी है ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा कि यहाँ पर गया फ़ाइल ली और सीधा यहाँ आ गया वो पहले जाएगा ठीक है इससे रिक्वेस्ट करेगा यहाँ से वो फाइल मेन मेमोरी में, 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 में आएगी और मेन मेमोरी से फिर जाएगी सीपीयू के पास तो इस तरीके से ये काम करता है अब रैम जो है आपका आर एम ये वाला रैम इंटरनल मेमोरी ऑफ़ सी पी यू फॉर स्टोरिंग डाटा प्रोग्राम एंड रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्राम ये होता है इंटरनल रैम होती है आपकी इंटरनल मेमोरी सी पी यू की जो कि काम करती है डाटा को स्टोर करने का प्रोग्राम को स्टोर करने का और जो भी रिज़ल्ट आया प्रोग्राम के उसको स्टोर करने का रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डाटा टिल मशीन इज़ वर्किंग ये आपकी रीड और राइट मेमोरी है और ये तब तक काम करेगी जब तक आपका कंप्यूटर काम कर रहा है ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं ये सब चीज़ें इरेज कर देती हूँ जस्ट अ मिनट चलिए ये हो गया इरेज अब जब भी हमें ठीक है मेमोरी uh, का मतलब होता क्या है आपका कि मैंने बताया जिस तरीके से हमारी मेमोरी होती है हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है इसी तरीके से कंप्यूटर को भी कुछ मेमोरी चाहिए होती है कि भाई हाँ ये बेसिकली मेमरीज क्या है इट कंसिस्ट ऑफ़ स्टोरेज लोकेशंस ईच ऑफ विच कैन अकोमोडेट सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स प्राइमरी मेमोरी इसमें क्या होता है वेरियस स्टोरेज लोकेशंस अलॉटेड होती हैं मेमोरीज में स्टोरेज लोकेशंस होती हैं बहुत सारी जिसमें कि विच कैन अकोमोडेट सर्टेन नंबर ऑफ़ बिट्स आइदर वन और जीरो की फॉर्म uh, में जो कि स्टोर होता है ठीक है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो सकता है बाय डिजिटल कंप्यूटर में वो होता है एक बिट ठीक है बिट अगर आपसे पूछें तो बिट क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड बाय अ डिजिटल कंप्यूटर दैट कैन बी स्टोर्ड बाय अ डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज बिट ठीक है अगर आपसे पूछें फोर बिट्स मिलके क्या बनाती हैं वन निबल फोर बिट्स इज इक्वल टू वन निबल और एट बिट्स मिलके क्या बनाती हैं वन बाइट राइट सो नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स जब ग्रुप हो जाती हैं टुगेदर दे फॉर्म ऑफ वर्ड जब ये बिट्स और बाइट्स इकट्ठी मिल जाती हैं तो ये क्या बना देती हैं ये बना देती हैं वर्ड तो वर्ड लेंथ इज़ अ वर्ड वर्ड लेंथ एक वर्ड का फिक्स नंबर ऑफ़ बिट्स होता है दैट वर्ड कैन स्टोर वर्ड लेंथ क्या होती है वर्ड की फिक्स नंबर ऑफ़ बिट्स दैट वर्ड कैन स्टोर और ये वेरी करता है कम्प्यूटर टू कम्प्यूटर पर साइज़ ऑफ़ मेमोरी किस तरीके से मेजर होती है साइज़ ऑफ मेजर मेमोरी जो है वो मेजर होती है टोटल नंबर ऑफ़ स्टोरेज लोकेशंस इन इट मतलब मेमोरी का साइज कितना है कितनी मेमोरी है मतलब प्राइमरी मेमोरी रैम कितनी है आपकी रोम कितनी है ये डिपेंड करता है कि कितनी सारी स्टोरेज लोकेशंस हैं कितनी चीज़ें हैं कि उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है उसके ऊपर तो ये सारी की सारी चीजें किस में डिस्क्राइब होती हैं किस में एक्सप्रेस करते हैं हम या तो किलोबाइट्स केबी मेगाबाइट गीगाबाइट और टेराबाइट तेरा बाइट इज टी वी सो वन के बी अगर आपसे पूछें वन के बी इज इक्वल टू टू रेज टू दिन बाइट्स वन एम बी इज इक्वल टू टू रेज टू द्वेंटी बाइट्स वन जी बी इज ईक्वल टू टू रेज टू दर्टी बाइट्स और वन टी बी इज ईक्वल टू टू रेज टू दी बाइक्स ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको मैं इरेज कर देती हूँ तब तक चलिए जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो तरीके से डिवाइड होती है एक तो होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है इफ़ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज़ डिस्ट्रॉयड व्हेन पावर गोज ऑफ़ जब स्टोर इंफॉर्मेशन जो होती है ख़त्म हो जाती है जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है ठीक है और नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है जो रिटेन कर लेती है इट्स कंटेंट इवन आफ्टर पावर फेलियर जब कोई पावर फेलियर भी हो जाए पावर चली भी जाए तो भी अपना कंटेंट को रिटेन कर लेती है और इसको कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल दूसरी मेमोरीज होती हैं डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज वो होती हैं इफ़ द कंटेंट्स ऑफ स्टोरेज लोकेशन इज़ लॉस्ड वेन इट इज़ रेड मतलब एक बार आपने पढ़ लिया तो जितना भी कंटेंट होगा उस स्टोरेज लोकेशन का वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा ठीक है ऐसी मेमोरी हो जाती है डिस्ट्रक्टिव मेमोरी दूसरी होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी वो होती है जिसका कंटेंट ऑफ स्टोरेज लोकेशन लॉस नहीं होता वंस इट इज़ रेड राइट सो अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये है आपकी डिस्ट्रक्टिव मेमोरी ठीक है और आपसे अगर पूछे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी कौन सी है तो मैग्नेटिक ड्रम्स डिस्क और टेप यह है आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज ऑल राइट तो so, परफॉर्मेंस किसी भी मेमोरी डिवाइस की किसी भी मेमोरी डिवाइस की परफॉर्मेंस यस yes, किसी भी मेमोरी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस होती है ठीक है वो प्राइमरी डिटरमाइंड होती है बाय द रेट एट विच वो इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है इट और इसी टाइम को इसी टाइम को जिस रेट से वो इंफॉर्मेशन को रीड या राइट कर सकता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम ऑफ द मेमोरी। इफ़ एक्सेस टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ़ द लोकेशन बीइंग द मेमोरी इज़ टर्म्ड एज़ रैम ठीक है मतलब अगर एक्सेस टाइम इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन बिंग एक्सेस्ड के तो उस मेमरी को बोलते हैं हम रैम रैम कैटेगराइज होती है दो तरीके की सबसे पहला स्टैटिक रैम दूसरा डायनेमिक रैम तो ये हम करेंगे कल तो अभी आपको क्या याद रखना है कि रैम के दो पार्ट्स होते हैं डायनेमिक एंड स्टैटिक फिर है आपका रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसमें वो सिर्फ उसको अलाउ करेगा टू रीड द डाटा परमानेंटली रिकॉर्डेड ड्यू टू फैब्रिकेशन इट ठीक है और उसमें राइट करने का या कुछ भी करने का उसको नहीं मिलेगा तो रोम के भी सब पार्ट्स होते हैं दैट इज पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रोम ठीक है ई प्रोम राइट

वो ये सब है मैग्नेटिक कोर स्टोरेज और सेमी स्टोरेज ये सब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेमोरी है ठीक है इसको मैं कराऊंगी आपको कल कि ये सब क्या होते हैं उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी के बाद कितनी मेमोरीज होती हैं वो करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग